वो घड़ी आ गई है इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इट्स टाइम फॉर द टी20 वर्ल्ड कप फाइनल एक बहुत ही बड़ा मुकाबला दो बड़ी टीम्स अनबीटन कोई भी नहीं जीता एक टी20 वर्ल्ड कप अब तक एंड वो मौका एक टीम पाएगी एंड हमें कौन से लगता है कौन सी टीम जीतेगी ये देख रहे हो आप ऑफ कोर्स आपको भी वही लगता है मुझे भी वही लगता है इस ट्वेंटी फोर आवर्स जब तक हम आप ये वीडियो देखोगे तब तक हमें ये प्रॉब्लम पता चल जाएगा उसके कुछ ही घंटों बाद कि कौन होगा वो विनर तो फिंगर्स क्रॉस्ड एवरीथिंग क्रॉस्ड आई होप कि एक बहुत ही बढ़िया गेम जाए हमें इसी गेम का एंड इसी दिन का इंतजार था एंड मुझे भी यही इंतजार था कि अगर हम फाइनल का प्रिव्यू करेंगे तो इसी जर्सी में करेंगे सो फिंगर्स क्रॉस ऑल पॉजिटिव कि हम यही गेम जीते एंड चलते हैं टूवर्ड्स द फैंटेसी प्रि फॉर दिस गेम समझेंगे कि क्या होगा आज इंपॉर्टेंट इस मुकाबले में सबसे इंपॉर्टेंट होगा गिव अवे ज्वाइन करना एक बहुत ही बड़ा गिव अवे आप सभी के लिए लाइव एन माई मास्टर आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया वर्थ साउथ अफ्रीका हमारा रेफर कोड है एफ एंड बहुत ही अच्छा विन रेट दो टीम्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो सो डोंट मिस आउट ऑन द चांस ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब चलते हैं आज के प्रीव्यू की तरफ ऑफ कोर्स मेरी विन प्रिडिक्शन है इंडिया की तरफ ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होना चाहिए नहीं कर रहा हूं कि एक एकदम डोमिनेटिंग गेम होगा क्योंकि एक अच्छी बैटिंग पिच बॉबेडोस में जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के पास भी तो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए एक्सचेंज साइन करना भूलिएगा क्योंकि मिलेगा बहुत सारा रियल कैश ऐप का लिंक है आप चलते हैं कमेंट्स में आपको क्या लगता है कितने रन मारेंगे आज विराट कोहली विल यू ब्रेक एक दे फिफ्टी देखने का मौका मिलेगा इन द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनली रोहित ने भी कहा था लास्ट लेट्स सी कैसा जाता है मुकाबला उनके लिए हमारे लिए टैक्टिकल कॉर्नर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक जो की फेज रहेगा मेरे लिए वो होगा जो आपके साउथ अफ्रीकन ओपनिंग बोलर्स करेंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर भी एनसन में एंड मैचअप भी इंडियन बैटर्स के रबार्ड के सामने थोड़े हॉट एंड कोल्ड सो वो फेज अगर अच्छे से खेल गए हम मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के अच्छे फॉर्म में मिडल ऑर्डर चल रही है पंथ का है बहुत अच्छे फॉर्म में हार्दिक अच्छे फॉर्म में दुबे इतने खास टच में नहीं लगे बट एक आध अच्छी पारी आई है एंड जडेजा भी गेम में अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं तो अगर रोहित एंड विराट ने वो स्टार्टिंग के अच्छे से निकाल लिए रोहित का फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है आई थिंक बहुत अच्छा ये गेम हमारे लिए हो सकता है और मैं नहीं कहूंगा और मैं बातें नहीं करूंगा फॉर्म के बारे में नजर नहीं लगानी यहाँ पे अब चलते हैं आगे की तरफ

तो रेन रेन एंड लॉर्ड्स ऑफ रेन इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द गेम सो सैडली वो एक रियलिटी है रिजर्व डे भी है संडे को बट फोकस दोनों दिन के लिए कुछ खास नहीं है एंड अगर दोनों दिन बारिश हुई तो देन द दे वर्ल्ड कप विल बी शेड होपफुली उस पर वो बात आए ना बट लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो एक बैलेंस पिच यहाँ पे ज्यादा होती नहीं है बाउंस ठीक ठाक है यहाँ पर एंड मुझे लग रहा है कि पे एक अच्छी बैटिंग पिच इन कंपैरिजन टू बोथ द सेमीफाइनल आपको देखने को मिलनी चाहिए दो वाली पिच तो नहीं है बट मैं कह सकता हूँ वन सेवेंटी वही रेंज में यहाँ पे रन जनरली बनते हैं सो शुड बी अ गुड कंपेरिटिव गेम बिटवीन बैट एंड बॉल हो सकता है कि आ जाए फॉर बिटवीन और महाराज किसकी जगह पे आते हैं आते भी हैं या नहीं दैट विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर फॉर इंडिया इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पे क्या आप थ्री स्पिनर्स को खिलाएंगे जब बिल्कुल भी टर्न नहीं है मेरे हिसाब से दे विल नॉट चेंज द कॉम्बिनेशन बट हो सकता है कि स्पिनर्स को पूरे ओवर्स ना मिले एंड हार्दिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी गेम में बढ़ जाए लास्ट गेम में हमने देखा टर्निंग ट्रैक था तो हार्दिक को इतने ओवर्स नहीं मिले बट इस गेम में मैटर्स माइट बी डिफरेंट अब चलते हैं टीम इंडिया की तरफ समझते हैं कौन होंगे की प्लेयर्स तो पहले यहाँ पे रोहित शर्मा

24 रन की पारी खेली है उन्होंने सो आई होप कि इस मुकाबले में जो हम वो फॉर्म की बात कर रही थी कर रहे थे राधर वो यहाँ पर वापस आ जाए ऋषभ पंत आठ मैच में सिर्फ पंद्रह की एवरेज वैसे साउथ अफ्रीका बट अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं लास्ट गेम में अफकोर्स एक क्या कह सकते हैं इनोकियस इनोकियस शॉर्ट खेलकर वहां पे आउट हो गए थे एट बाबेडोस एक मैच में इनके बीस रन सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका बहुत ही अच्छे नंबर की एवरेज एंड की स्ट्राइक रेट मेरे हिसाब से जिस टच में चल रहे हैं एंड जिस तरीके की पिच है बाउंस एंजॉय करते हैं आई थिंक यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बन के आएंगे एट भी एक मैच में रन दिए मार चुके हैं एक बात वस्यस वस्यस का ध्यान रखिए कि वर्सेज महाराजन वर्सेज श्यामजी इनका मैच अब बन के आएगा फिर बात करें यहाँ पे नो लॉस लीक चल रहा है माई मास्टर सकते हैं आपका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पूरे डिटेल्स एंड क्राइटेरिया आप वहाँ पे समझ सकते हैं शिवम दुबे ऑफ कोर्स सिर्फ एक ग्रैंड लीग पिक क्योंकि फॉर्म इनका कुछ खास रहा नहीं है साउथ अफ्रीका टारगेट करेगी इन्हें एट द बॉडी बहुत सारे पेसेस हैं साउथ अफ्रीका के पास क्वालिटी ऑप्शंस

अगर आपको याद है जस्ट लास्ट टाइम इंडिया प्लेड इन अ वर्ल्ड कप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो था 2023 का ओडिया वर्ल्ड कप एंड वहां पे बहुत अच्छा काम किया था जडेजा ने चार या पांच विकेट्स याद नहीं आ रहा बट हाँ काफी विकेट्स लिए थे इन्होंने एट ईडन गार्डन्स तो वापस यहां पे रोल बन सकता है अगेंस्ट मार्क अगेंस्ट क्लासन एंड द लायंस अक्षर पटेल अक्षर पटेल दस मैच में छ विकेट एन एड एक मैच में एक विकेट लास्ट मैच में उन्होंने क्या किया था ये मुझे याद दिलाना जरूरी नहीं लगता क्योंकि जिन्होंने भी अच्छा किया है उनकी परफॉर्मेंस आप हाँ देख चुके हो तो उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा बट इनके लिए एक तकलीफ ये हो सकती है कि मिलर अगर जल्दी आ गए इनका कोटा वहां पे कट हो सकता है तो वो एक मेरे लिए हेजिटेंसी पॉइंट है विद जडेजा एंड अक्षर पटेल इन दिस गेम

इनका पे बिल्कुल बन सकता है फिर चले आगे की तरफ रीजा एंड्रिक्स नौ मैच में 25 की एवरेज इनका एक बहुत बड़ा मैचअप है सिंह इनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं रहा है so, सो गेम में एक तरफ विराट कोहली दूसरी तरफ रीजा एंड्रिक्स अच्छे फॉर्म में नहीं एक तरफ विरिन डेकॉक दूसरी तरफ रोहित शर्मा दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में सो पे काफी इंटरेस्टिंग मैचेस बनेंगे ये ओपनिंग पार्टनरशिप कितने बड़े होंगे क्योंकि यहाँ पे बैटिंग रिलेटिवली बेहतर है एडन माक्रम की बात की जाए तो फाइव मैचेस में थर्टी थ्री के एवरेज एंड वन विकेट जैसे ही आएंगे बैटिंग पे अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में से एक आ जाएंगे बोलिंग क्रीज पर क्योंकि वही उनका की मैचअप है ये हमने ना सिर्फ इस फॉर्मेट में देखा है हमने आईपीएल में भी यही बात देखी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही बात देखी सो वापस वही सिनेरियो एक्टिवेट बिल्कुल होगा उस बात का ध्यान रखिएगा बट मुझे लग रहा है इस गेम में कुछ ओवर्स भी है कर सकते हैं एट मैच ट्वेंटी एट की एवरेज काफी अच्छे नंबर्स ऑफ कोर्स यहां पे ज्यादा मैचेस खेले नहीं है एंड uh, इनके मैचअप्स अच्छे हैं सामने वाली हमारे टीम के सामने बट फॉर्म इनका थोड़ा सा अप रहा थोड़ा सा कहूंगा वर्सेस बांग्लादेश बहुत अच्छी पारी खेली थी बट अगर कोई पिच होगी वेस्ट इंडीज में जहां पे इनको शूट करेगी वो यही पिच है अलोंग विथ सेंट लूसिया डेविड मिलर बहुत ही अच्छी एवरेज वर्सेस इंडिया एंड याद रखिए क्योंकि हम इतने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिला रहे हैं डेविड मिलर को वहां पर एक एडवांटेज

बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे इन दी आईपीएल यहाँ पे वो फॉर्म देखने को मिला नहीं है बट मैं कहूंगा कि जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे वाइल यहाँ पे पिचेस मुश्किल है तो आपको लग रहा होगा 94 की स्ट्राइक रेट पे रन मारे कौन सी बड़ी बात हो गई इतने सारे मैचेस में बट क्योंकि यहाँ पे लो स्कोरिंग पिचेस रही इन्होंने काफी संभल के खेल के अपनी टीम को टफ सिचुएशन से निकाला तो काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है एंड फिनिशिंग ऑर्डर में एक बड़ा काम कर सकते हैं माको हेनसन दो मैच में दो विकेट जब भी इंडियन टीम खेलती है एंड उनके सामने एक लेफ्ट आर्म पेसर होता है हम उनकी बात करते हैं एंड इसलिए माको हेनसन की बात करनी यहाँ पे जरूरी होगी क्योंकि ये एक थ्रेड बन के आएंगे टू रोहित एंड टू विराट कोहली हमने ऑलमोस्ट हर गेम में बात देखी कि दोनों में से एक तो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आउट हुए ही है एंड यहाँ पे बाबेटोस में एक्स्ट्रा बाउंस है इनके पास हाइट भी बहुत लंबी है तो हेंस वो इनके लिए एक फैक्टर बहुत ही पॉजिटिवली बन के आएगा

केशव महाराज नॉट इन द टीम अगर आप ग्रैंड लीग में कोई भी टीम से सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे एक बड़ा मैचअप बिल्कुल आएगा जैसे एडन माकरम की कहानी है वैसे ही सूर्य की नॉट एज वीक बट फिर भी वो मैचअप बिल्कुल एक्टिवेट हो सकता है तबरेज श्याम जी वापस बहुत ही बेकार नंबर्स वर्सेस इंडिया बारह मैच में सात विकेट पिच पिछच टर्न करती है आई डोंट थिंक मैं इनके साथ जाऊंगा इस मुकाबले में तो ये रहे हमारे आज के की प्लेयर्स अब समझते हैं आज के की मैचअप कौन से होंगे एंड फिर जाएंगे टुवर्ड्स फैंटेसी टीम अनलाइकली टू प्ले दिस अब बात की जाए यहाँ पे मैचअप्स की तो क्विंटन डेकॉक हुए अरदीप सिंह को आउट तीन बार रीजा एंड्रिक्स आउट हुए अरजदीप सिंह को तीन बार तो अरदीप सिंह हो जाते हैं आपके पहली पिक माह मजिद अक्सर पांच में छह एंड दो डिसमिस रोहित वर्सेज रबाडा चार डिसमिसल अगेंस्ट रबाडा एंड अरेड ओनली हंड्रेड एंड एटीन एंड कोहली वर्स रबाडा चार डिसमेल्स एंड अस्ट्राइक रेड ओनली हंड्रेड एंड सिक्स तो जो टॉप थ्री है दोनों टीम्स के यहाँ तो काफी डेंजर में लग रही है बट बनाते हैं आज की फैंटेसी टीम एंड समझते हैं कि कौन से प्लेयर्स के साथ यहाँ पे आप जाएंगे सो वी स्टार्ट विदिंग सेक्शन यहाँ पे क्विंटन डिकॉक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है क्लास एंड पंथ दोनों में लूंगा बाद में बट पहले हम डिस्काइड करेंगे कौन होंगे बाकी के खिलाड़ी सुरु कुमार यादव अच्छे फॉर्म में बिल्कुल उनके साथ जाऊंगा रोहित शर्मा एक ठीक ठाक चॉइस है डिपेंड्स की स्टार्टिंग में मूवमेंट है कि नहीं बेस्ड ऑन दिटुएंस आई गो विन रोहित और कोहली हार्दिक पांड्याटली बोलिंग सेक्शन में से जसप्रीत बुमरा हरदीप सिंह बिकॉज ऑफ इस वेरी पॉजिटिव मैच ऑफ कुलदीप यादव फॉर्म बहुत अच्छा है एंड सामने वाले बैटर्स इस टाइप के बोलिंग टाइप के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हैं एंड्रिक नोकी फॉर पेस एंड फॉरिज पॉजिटिव मैचअप तो यहाँ पे दस खिलाड़ी मेरे ऑल इन ऑल प्रिटी मच लॉक हो जाते हैं अब लास्ट पिक टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है इस मुकाबले में होने वाला है मुझे लगता है कि ऋषभ पंत एक बहुत अच्छी पिक बन सकते हैं मैं

या तो कुछ ना कुछ या तो बहुत खुशी करके गए तो हैं विश्वास हम बनाए रखेंगे वाइस कैप्टनसी चॉइस आई थिंक एक अच्छी चॉइस यहाँ पे क्विंटन टिकॉप बन के आ सकते हैं क्योंकि आपको कीपिंग के साथ वैल्यू देंगे विद द दे बैट भी वैल्यू देके जाएंगे ये रही हमारी बेस्ट टीम की पिक्स अब ऑफ कोर्स ऐसे क्वालिटी गेम्स में एंड ये वर्ल्ड कप फाइनल तो 22 ग्रेट प्लेयर्स गेट ऑन टू तो द फील्ड तो आप किसके साथ जा सकते हो ऑनरे क्लासन आई थिंक एक बहुत अच्छी पिक बनेंगे स्पेशली बैटिंग फर्स्ट डेविड मिलर इन अ चेज विल बी अ वेरी गुड पिक रोहित एंड विराट कोर्स विराट कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं एक बड़ी पारी खेल के जा सकते हैं सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए अगर आप रोहित विराट के साथ ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट एक साउथ अफ्रीकन पेसर कम कर देना वाइल अगर आप ऑनरे uh, क्लास के साथ ऑप्ट करेंगे तो एक इंडियन पेसर को सिचुएशन में कम कर देना क्योंकि सबको लेके वहां पे पॉइंट नहीं बनेगा फिर बात करें यहाँ पे ऑलराउंडर्स की तो अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा जड़े, अगर स्पिन में कोई भी साइंस है कि टर्न होगा तो उस सिनेरियो में आप उनको लेकर जा सकते हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप मा को, को एक कम कर सकते हैं मैं माक्रोम क्यों नहीं कह रहा क्योंकि वाइल वो स्पिन के सामने आउट हो सकते हैं वो कुछ ओवर्स आपको डाल के दे सकते हैं वहां पे विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बोलिंग सेक्शन में हमने वाइल ऑलरेडी की प्लेयर्स ले लिया है केशव महाराज अगर सेकेंड बॉलिंग करते हैं एक पॉइंट पिक है सिर्फ बीस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट टीम में लेना तो अगर आप समझो समझिए बीस टीम बना रहे तो चार पांच टीम में ही लेकर जाइए तो ये रहे ऑल इन ऑल हमारे रोटेशन ऑप्शन आज के गेम के लिए तो उसके बेसिस पे हमारे जो ग्रैंड लीग ऑप्शंस इस गेम में एक तो जो लो सिलेक्ट डार्क हाउस पे इस गेम में ऑनरिक क्लासिन क्योंकि हमें लग रहा है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस गेम में एंड थोड़ा सा गट फील भी पॉजिटिव है उनकी तरफ तो लेट्स सी कैसा जाता है उनका मुकाबला सीवीसी ऑप्शंस कुलदीप वीके एंड रबाडा बैटिंग फर्स्ट बोलिंग, सेकेंग, सेकेंग, बोलिंग फर्स नौके, दोनों में हार्दिक बुंगरा एंड क्विंटिन डिकॉक अब एक्सचेंज एक्सचेंजो पिक्स की बात की जाए इस गेम में तो वाइल साउथ अफ्रीका की बात करें ऑफ कोर्स आपने एक्सचेंज विंडो नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए एप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रुपीज हंड्रेड रियल कैश मिल जाएगा ऑन साइन अप एंड केवाईसी तो साउथ अफ्रीका से आई थिंक डेविड मिलर स्पेशली अगर हमें लग रहा है बैटिंग ऑपरचुनिटी मिलेगी एट थर्टी जिस तरीके के पॉजिटिव इनके मैचअप से आई थिंक अच्छा कर सकते हैं एनरिक नोकिया दोनों तो में एट एक बहुत अच्छी पिक बन के आ सकते हैं इंडिया की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह एट थर्टी सेवन एक बहुत ही अच्छी पिक है चाहे बोल फर्स्ट करें या बोल सेकंड क्योंकि दोनों सैनरियोज में विकेट टेकिंग एंड प्रेशर सिटु में तो बोलिंग करेंगे कुलदीप यादव बोलिंग सेकंड विल बी अ रियली गुड चॉइस अर्दीप सिंह बोलिंग फर्स्ट विल बी अ रियली गुड चॉइस तो ऑल इन ऑल यही रहे हमारे आज के पिक्स आई होप आप सभी को मजा आया हो यू कैन ज्वाइनस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम आपको क्या लगता है कितने रन मारेंगे आज विराट कोहली हम सब आशा ये रखते हैं कि 100 ही हमको देकर जाए रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर हिट करेगा थैंक यू सो मच आप सभी ने अपना सपोर्ट बनाए रखा थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा मजा आया ये प्रिव्यूज करके फाइनल टीम फाइनल मुकाबला हम खेलेंगे कि नहीं वो हम डेड पर ही इंटेंसिटी गेम है एंड मैं चाहता हूँ कि बिना कोई बायस के एंड पूरे 11 प्लेयर्स को हम अच्छे से सपोर्ट कर पाए बिना हमारी फैंटेसी टीम के बारे में सोचे सो लेट्स सी आफ्टर द टॉस समझेंगे कंडीशंस देखेंगे कुछ समझ आए तो आपको बता देंगे अगर पूरे ही इमोशनल बायस में चल रहे हैं। तो फैंट तो आता रहेगा बहुत सारे गेम्स आते रहेंगे सी ऑल वेरी सोन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड प्लीज इन्वेस्ट वाइजली एंड प्ले केयरफुली